क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों? दरअसल बेटा बात यह है कि वो मैं बताती हूँ सर। आज हम लोग नाहर बन्ना के घर गए थे और वहां जो हमने देखा उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वहां तारा जी की जो जीजी है ना वो वापस आ गई और इस बार वो तारा जी की जीजी के रिश्ते से नहीं आई है बल्कि उनकी काकी सा बनकर आई है। उन्होंने नाहर बन्ना के काका सा से शादी कर ली है। क्या? और इतना ही नहीं, उस घर के सभी लोगों ने उन्हें अपनी काकी सा मान भी लिया और अपनी प्यारी नई काकीसा को खुश करने के चक्कर में सब लोग उनकी जी हजूरी करते रहते। ये क्या कह रही हो तुम काफी? आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं होता अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखती। फिर भी आप चाहें तो पूछ लीजिए मम्मी जी और पापा जी से। किसी की भी हिम्मत नहीं है उस घर में कि उर्वशी की सच्चाई काका सा को बता दे। ब्रजेश और तारा जी का बेटा अभी भी उर्वशी के कब्जे में है और वो उसकी आड़ लेकर उन लोगों से ये सब करवा रहे हैं। यहां तक कि उसने उन लोगों को धमकी दी है कि अगर उन लोगों ने उसका राज खोला तो वो उसके बच्चे को। मम्मी जी ये सब कहने की बातें, अरे क्या कर लेंगी वो जीजी? और वैसे भी काका साहब 2400 घंटे उस जीजी के पल्लू से तो बंधे नहीं रहते। अगर कोई एक हिम्मत करके उस जीजी की सच्चाई काका साहब को बता दे तो दूसरे दिन ही ना जीजी सड़क पर नजर आएंगी। वैसे तो सब लोग बहुत बहादुर बनते हैं लेकिन उस जीजी के सामने सबकी घी बन जाती। इधर सलोनी दी का उस घर से जाना और जीजी का आना, मानो ना मानो इन दोनों बातों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अरे मैं तो यूं ही बोल गई लेकिन कहीं सच में तो सलोनी के जाने और जीजी के आने में कोई कनेक्शन तो नहीं? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब तो मुझे अपनी आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे। कौन जाने वाकई ये सारे किस्से के पीछे कोई और चटपटी मसालेदार बात छुपी पड़ी हो। मदद करो, 1 रुपया दे दो साहब, 1 रुपया बहुत की भूख लगी है। 3 दिन से कुछ नहीं गया है पेट में। तो चुप क्यों बैठी है? आना वैसा भिग मांग, चल। आदत नहीं है ना इससे, तुझे शर्म आ रही है पर धीरे धीरे सीख जाएगी तू। चल अभी कटोरा पकड़। क्यों? अरे बाबा ये भीख मांगने नहीं कह रहा हूँ, अभी के लिए तो पकड़ इसे, मैं पानी पीकर आया, बहुत प्यास लगी है। ध्यान से संभालना इसे, अगर 1 भी रुपया कम हुआ तो चंदा भाई चमड़ी उधेड़ देगी। तेरे कटोरे में इतने सारे पैसे? ए, ए, छोड़ मेरे पैसे। ए, रुक, मेरे पैसे दे, रुक, मेरे पैसे दे, पैसे दे मेरे, रुक। पैसे दे मेरे, छोड़, मेरे पैसे दे। मारूंगे। Thank you.
मुझे छोड़ दो ना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे वहाँ कड़वी दवाई देते हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती है। सुनो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा हॉस्पिटल, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वहाँ वहाँ तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। प्रॉमिस? सच्चुअली प्रॉमिस। सलोनिया, ऐसे मुझे ऐसे छोड़कर कभी मत जाना वापस, प्लीज। वहाँ बहुत सारा खाना मिलेगा ना? मैं खुद खाना बनाऊंगा तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा अच्छा क्यों रहे हो? मैं सारा खाना नहीं खाऊंगी, तुम्हारे लिए भी छोड़ूंगी। ठीक है, अब चले। वो रघु को साथ में लेकर चले। कौन रघु? रघु को नहीं जानते तुम? रघु मेरा दोस्त है, पक्का वाला। वो मैं समोसा खा रही थी ना, तब मिला। वो तो अभी पानी पीने गया है, आता ही होगा। तुम चलो, रघु आ जाएगा अपने आप। नहीं, ऐसे कैसे आएगा? एक मिनट रुको ना, वो आ रहा है। सलोनी, रघु अपने घर चला गया, तुम चलो। चलो गर्मा गर्म खाना, इतना सारा खाना। तुम्हारे लिए बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी लाई। खाना है या नहीं? लहसुन की चटनी, ये हुई ना कोई बात। अरे अरे, आराम से नीम, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे भी खाना है। नहीं, ये मेरे लिए। नहीं, ये लहसुन की चटनी तो तुम्हें जरा सी मिलेगी, क्योंकि बाकी सब मेरे लिए है, और मैं लाई हूँ तो मैं ही खाऊंगी। खाना ठीक है? लहसुन की चटनी खाओगी? लहसुन की चटनी मुझे बहुत पसंद है। अभी लेकर आता हूँ। बहुत तीखी है। सलोनी, तुम्हें याद है तुम अपने घर से बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी लाया करती थी मेरे लिए, फिर हम बैठकर खाते थे उसे। हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए कभी खाना नहीं लाई। ब्रजेश, सुना है कि हाल ही में वो हमारी जो जामनगर वाली फैक्ट्री है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ काका, सा थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया है सब कुछ। गुड गुड गुड, वेरी गुड।
अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो जीते रहो। नाहर कोई परेशानी तो नहीं हुई वो हमारे दोस्त जो हैं ब्रिगेडियर शर्मा का घर ढूंढने में? अरे बस बस रहने दीजिए, ज्यादा झुकेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा आपकी। बैठे उर्वशी, तुमने देखा हमारे दोनों बेटे कितने संस्कारी हैं? सो तो है। आपकी शुगर फ्री चाय। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ? आज्ञा दीजिए हुकुम। मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ। पर क्यों ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना घर में? हमारे घर में तो सब ठीक है हुकुम, लेकिन लगता है अब इस घर में मेरी जरूरत नहीं है। क्यों, किसी ने कुछ कह दिया क्या? हुकुम ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? इनका परिवार पीढ़ियों से हमारी सेवा करता आ रहा है। तारा ठीक कह रही है, हम इन्हें इस तरह नहीं निकाल सकते। I'm so sorry, आप सबको इतना बुरा लगा, दरअसल हमने तो सिर्फ फैमिली की सेहत के बारे में सोचकर ही ये कदम उठाया, इसीलिए मैं बावर्ची को बुलाया। क्या है कि अगर सिर्फ हमें वीर की ही सेहत का ख्याल रखना होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो तो हम अकेले भी मैनेज कर लेते। बिल्कुल ठीक कह रही है, देखो सच तो ये है कि इंडिया वापस लौटकर अपने परिवार के साथ रहने का निर्णय इन्हीं का था। आपके स्वभाव को हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप चाहे मीलों दूर रह लें सबसे, लेकिन आप सबके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अरे इट्स अ लिविंग एग्जांपल, वरना आपका इतना बड़ा बिजनेस, इतने सालों तक आप यहाँ थे ही नहीं और आपके दोनों भतीजे इतनी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। वीर आप कह रहे थे ना कि शायद ये बिजनेस आपके नाम पर है। उर्वशी, जो कुछ भी है हमारे बच्चों का है। एग्जैक्टली वही तो हम भी कह रहे थे, इसीलिए हमें लगा कि ये फैमिली भी हमारी। एनीवे छोड़िए, हम शायद कुछ ज्यादा बोल गए, आपकी फैमिली को शायद हमारा इतना बोलना इंटरफेरेंस लगेगा। वीर सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन जहाँ आपकी सेहत की बात है ना, वहाँ हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। फिर चाहे उसके लिए आपके साथ हमें कहीं अलग भी रहना पड़े, इट्स परफेक्टली फाइन। वैसे भी वीर इतनी दूर इंडिया हम इसीलिए तो आए हैं कि अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिता सके, लेकिन हमारी वजह से अगर सबको इनकन्वीनियंस हो रही है तो कहीं और रह सकते हैं, और फिर क्या है? मिलना जुलना तो रोज होता ही रहेगा, आगे जैसा आप ठीक समझें। भाई वर्षी का ऐसा कहना ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप सबको किसी किस्म की परेशानी हो, और अगर ऐसी बात है तो मैं उर्वशी को लेकर हमारा जो जामनगर में घर है उस कोठी में हम नहीं काका साहब, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये आप ही का घर है, आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। समोसा चाहिए? समोसा मिलेगा? एक नहीं दो दो दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पायल बदले में देनी होगी। अंकल भूलना नहीं, मेरी पायल वापस दे देना।
हाँ बाबा हाँ। चलो चलो खेलना बंद, अभी पहले दवाई खा लो। तुम्हें पता है मेरी एक पायल गुम हो गई और दूसरी उस कंजूस दुकानदार ने ले ली। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ना, मैंने समोसा मांगा तो उसने मेरी पायल ले ली। मेरी फेवरेट पायल थी। तुम उस दुकानदार से मेरी पायल लाओगे? बिल्कुल लाऊंगा और उसे पकड़ के मारूंगा भी। अभी गुड गर्ल की तरह मुंह खोलो और ये दवाई खा लो। चलो। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जाओगे। अरे हॉस्पिटल कहाँ लेके जा रहा हूँ, दवाई खाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक होना है ना तुम्हें? लेकिन मैं तो ठीक हूँ, देखो देखो मुझे बुखार भी नहीं है। तुम्हें बुखार इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने दवाई खाई थी पहले हॉस्पिटल में, और फिर से एक बार खाओगी तो एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हो जाओगी। मैं दवा तब खाऊंगी जब तुम मेरे साथ घोड़ा गाड़ी खेलोगे। बनो ना मेरे लिए घोड़ा, बाद में मैं दवा खाऊंगी, सच्ची प्रॉमिस। प्रॉमिस? हाँ। नो चीटिंग? नो। या सलोनी, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं मैं। आप जी, इन्हें तो तुम पहचान दी होगी ना? नहीं तो कौन है? अरे ये देखो, इसे तो तुम जरूर पहचानती होगी। नहीं? नहीं। आ रहा हूं। मुझे वो आइसक्रीम चाहिए।